अनुष्पा, मैं कल से देख रही हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। क्या हुआ है तुम्हें? क्या सोच रही हो? रात को सही से सोई भी नहीं, जब भी तुम्हें देखा तुम जाग रही थी। क्या हुआ है? हाँ, रात में मैं सो नहीं पाई। पता नहीं क्यों लाइबा, बहुत टेंशन हो रही है। अनुष्पा, तुम बहुत पागल हो। अब किस बात की टेंशन? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। दादाजी अनस के साथ तुम्हारी रुखसती पर राजी हो गए हैं। हमारे घर में कितने दिनों के बाद खुशी आने वाली है। ऐसा नहीं है लाइबा, जैसा तुम सोच रही हो। पता है, कोई भी खुशी से राजी नहीं हूँ। दादाजी, भाई जी, कोई भी रुखसती से खुश नहीं है। कोई इस रुखसती से खुश हो या ना हो, मगर तुम तो खुश हो ना। मेरे लिए यही काफी है कि तुम खुश हो। छोड़ दो कि घर वाले राजी हैं या नहीं हैं और किस तरह राजी हो। हमारे लिए सिर्फ यही काफी होना चाहिए कि वो लोग राजी हो गए हैं। तुम्हें याद है हमने क्या क्या सोचा था? उससे तो ये कहीं बेहतर है कि वो लोग मान गए, फिर चाहे वो नाराजगी से ही माने हो। तुम्हें पता है अनस भाई जैसा साथी किसी किसी को मिलता है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतना ख्याल रखने वाला शौहर मिल रहा है। चलो इसी बहाने तुम मुस्कुरा ही तो सही। अच्छा एक बात बताओ, मुझे अपने घर जाकर भूल तो नहीं जाओगी ना? हाँ, शायद भूल जाऊँ मैं तुमको। अब देखो भाई, शादी के बाद मेरी एक नई जिंदगी शुरू होगी। फिर तो मैं उसमें मसरूफ हो जाऊंगी। फिर तुम मुझे कहाँ से याद आओगे? मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हें अनस भाई के साथ इतनी खुशियां मिले कि तुम इस घर की सारे दुख दर्द तकलीफें सब भूल जाओ। तुम्हारी नई जिंदगी यहाँ की जिंदगी से बहुत बेहतर हो, मेरी बस यही दुआ है। तुम्हें पता है लाइबा, तुम दुनिया की सबसे अच्छी बहन हो।